बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को बायकॉट करो, जो भी सेलिब्रिटी है पुराने को, स्टार किड्स को बायकॉट करो। आई एग्री विथ यू। लेकिन उससे पहले भी मेरी जो लड़ाई है वो इन सब चीज़ों से तो है, लेकिन उससे पहले एक लड़ाई है मेरी अश्लीलता से। चाहे आज कोई वेब सीरीज भी लॉन्च हो रही है लेकिन वो अश्लील है, तो प्लीज़ ऐसे अश्लील वेब सीरीज को भी प्यार मत दो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, कहीं पे भी हो। कहीं पे भी अगर वो रिलीज हो रही है तो उसकी जो आप लोग रिव्यू देते हो ना, बहुत सारे यूट्यूबर चैनल में है लोग, आप अगर रिव्यू भी देते हो तो जा करके ज़रूर देखते होगे आप मूवी, तब जाके रिव्यू देते हो। मैं बोलूँगा ऐसे मूवी का रिव्यू ही मत करो जो कि वल्गर है। तो हमारा ट्रेडिशन ये नहीं कहता है कि अश्लीलता को हम अपने देश में फैलाएं। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को कितने लोग पॉलिटिकल एजेंडा मान रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा उसको बना रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ किसी की मौत हुई है और उसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए। अब मैं बात करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के इतनी सारी जो सोशल मीडिया पे बहुत ही माहौल गर्म है, तो इस माहौल को ठंडा ना होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ यू। बट ये जो व्याख्याएँ गलत गलत अंधविश्वास की बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग फैला रहे हो ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे मत फैलाओ जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, उसके माँ बाप को अगर वो मैसेज दिखेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगा। अब एक दिन में कोई 50 सिम, कोई बोलता है एक महीने में 60 सिम चेंज किया उसने, एज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा एक महीने में 50-60 सिम को चेंज करे, ये मानने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ सोशल मीडिया पे मत फैला। ये मर्डर मिस्ट्री है आई नो, बट इसको ऐसा मत करो कि लोग, पब्लिक जो है वो और कंफ्यूजन में आ जाए, क्योंकि ये सारी न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। कहीं से गलत नॉलेज लेकर के आप सोशल मीडिया पे उस चीज़ के थ्रू आप पूरी दुनिया को गलत मैसेज मत दो प्लीज़, ठीक है, पहली चीज़। अब मैं बात करता हूँ कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हुई, उसके बाद उनके घर पर कितने सारे लोग मिलने गए, बस एक इंसान मिलने गया, वो नाना पाटेकर। सैल्यूट करता हूँ मैं उनको, उनकी बड़प्पन को, कि वो वहाँ पर गए, उनके फैमिली को सांत्वना दी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, उनके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं था, निस्वार्थ भाव से गए उनके घर पे और बहुत ही अच्छे से सांत्वना दिया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लीजेंड एक्टर है, आप लोग ज़रूर उनको सपोर्ट करना। दोस्तों अगर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और मुझे कोई बोले कि तुम फेल हो गए हो, तो क्या आप मान सकते हो? आप ये ज़रूर बोलोगे कि मैं एक बार ज़रूर अपनी कॉपी देखना चाहूँगा, या फिर अपनी सफाई ज़रूर आप दोगे। उसी तरह से इतने सारे एक्टर जिनका भी कंट्रोवर्सी में नाम है, जिनका भी इस केस में नाम है, उन सारे लोग पे लांछन लग रही हैं। कोई बोल रहा है ये है सलमान खान, करण जौहर, बहुत सारे लोगों के ऊपर लांछन लग रही है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सामने आकर के ये चीज़ बोलूँ कि आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। ये आपकी अथॉरिटी है कि आप मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आकर के ये पूरे तरह से एक्सेप्ट करो कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन नहीं, सारे लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं, सोए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक यहाँ तक कि उनके पिता को फ़ोन भी नहीं जाता है। आप बोलते हो ना कि बॉलीवुड एक फैमिली की तरह है बॉलीवुड एक परिवार है, तो क्या परिवार में बच्चे अगर मर जाते हैं, उनकी मर्डर हो जाती है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसके फैमिली से जा कर के पूछना चाहिए। लेकिन उनको एक भी कॉल नहीं आता है, एक भी मैसेज नहीं आता है किसी का। ये बहुत बड़ा गेम है और इस जो रिवेंज है, ये जो रिवॉल्यूशन है और ये जो हो रहा है, इसको रुकने नहीं देना है और तब तक नहीं रुकने देना है। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और इस माहौल को ठंडा नहीं होने देना है, ये याद रखना। तो हमें अब जागरूक होने की ज़रूरत है और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज कहो कि अगर सुशांत सिंह राजपूत गया है तो इसी मुद्दे को उठा करके बॉलीवुड से जितनी सारी गंदगी है, वो सारी गंदगी को आपको और हमको मिल के ही साफ करनी है और एक नए सिरे से स्टार्ट करना है इस बॉलीवुड को। तो इसमें आपका और सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।